बिस्मिल्ल रन रही कब्रस्तान के अंदर जूते या चप्पल पहनकर जाना बहुत अहम जानकारी बहुत अहम मसला आपके सामने पेश करूंगा जैसा कि फ़तावा आलमगिरी में जिल्द नंबर एक सफा नंबर एक सौ सड़सठ पे और फ़तावा महमूदिया जिल्द नंबर पंद्रह सफा नंबर तीन सौ तिरानबे पर भी आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स और जानकारी मिलेगी सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि चप्पल पहनकर जाने में भी कोई हर्ज नहीं है चप्पल उतार के जाने में भी कोई हर्ज नहीं है चप्पल आप बिल्कुल पहन के जा सकते हैं गलत वो कर रहे हैं वो लोग गलती पे हैं जो एक को जरूरी समझ रहे हैं जो ये समझ रहा है कि चप्पल पहनकर जाना जरूरी है ये भी गलत कर रहा है और जो ये समझ रहा है कि चप्पल उतार के जाना जरूरी है चप्पल पहन के जाना बेअदबी है गलत है नाजायज है हराम है ये समझ रहा है वो भी गलत है सही क्या है जो पहन के जा रहा है वो भी सही कर रहा है जो उतार के जा रहा है वो भी अपनी मर्जी से जा रहा है उतार के कोई दिक्कत नहीं है दोनों तरह जायज है समझेगा मसले को जब मैं किसी जगह चप्पल पहन के चला गया था तो लोग मुझे देखने लगे बार बार देखने लगे और खास तौर से मेरे पैर को देखने लगे कि अच्छा कब्र के कब्रस्तान के अंदर चप्पल पहन के आ गए हैं ताजुब है तो एक लंबा वाकया मेरे साथ पेश आया था इसीलिए ये वीडियो आपके सामने पेश करता हूं ताकि मसला आप सही से समझ जाइएगा कभी इस तरह धोखा मत खाइएगा किसी से भी लोग एक अपना मामूल बना देते हैं ठीक है वो उनकी बात है लोगों के करने से शरीयत नहीं बनती है शरीयत का हुक्म दलाइल से साबित होता है लोगों के अमल से नहीं लोगों के करने से नहीं हमने देखा है कि हमारे बाप दादा हमारे बड़े जब हम उनके साथ कब्रिस्तान जाते थे तो वो चप्पल उतार देते थे कब्रिस्तान के अंदर जाते थे हमने भी उनका देखा हमने भी उन्हें देखा उसके बाद हम भी वही करने लगे फिर हमारे जो बच्चे बच्चे होते हैं छोटे होते हैं हमारे जानने वाले वो भी हमारा देख वही समझ सीखने लगते हैं तो एक पहले से चलता हुआ आता है तो उस तरह चल रहा है लेकिन सही मसला यही है जो मैंने अभी आपको बताया है तो देखिए यहां पर भी यह समझना है आपको लोग कहते हैं कि चप्पल अगर पहन के जाएंगे हो सकता है कब्र के ऊपर चढ़ जाएं बेदबी हो जाएगी मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या चप्पल पहन के चढ़ने से कब्र पे जो है नाजायज है बेअदबी है बगैर चप्पल के चढ़ने से बेअदबी नहीं है याद रखिए चप्पल पहनकर चल चढ़ना कबर पे कब्रस्त नहीं कबर पे जैसे नाजायज है वैसे ही बगैर चप्पल के भी चढ़ना नाजायज है बगैर जूते के भी अगर आप खाली पैर ऐसे ही कबर के ऊपर खड़े रहते हैं तब भी नाजायज है चप्पल पहन के चढ़ने न चढ़ने में कोई फर्क नहीं है हां आप कहेंगे हमें पता नहीं होता है कि कहां पर कब्र है नहीं है भाई जब तुम्हें पता नहीं है तो फिर ला नफसन इल्ला उहा आपको कोई पकड़ आपकी पकड़ नहीं होगी आप उसके मुकल्लफ ही नहीं है जहां आपको पता नहीं है यहां कब्र है या नहीं क्या जरूरत है आप चप्पल पहन के चढ़ सकते हैं जब कब्र है या नहीं आपको तो पता ही नहीं है वहां पर हां जहां पर पता है यह कब्र है आप उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते चाहे बगैर चप्पल के चढ़ें या चप्पल पहन के चढ़ें दोनों तरह नाजायज़ है इसीलिए आप कब्रस्तान के अंदर चप्पल पहन के जाएंगे या चप्पल उतार के जाएंगे कोई दिक्कत नहीं दोनों तरह जायज है हर तरह आप अमल कर सकते हैं लेकिन हाँ कब्र का ख्याल रखना है कब्र के ऊपर चढ़ना नहीं है एक चीज और दलील दे देता हूं काम आएगी इंशाल्लाह बाद में लोग कहते हैं कि चप्पल पहन के जाना अच्छा लगता नहीं है बेअदबी है मैं पूछना चाहता हूं कि जब नमाज जनाजा कुछ शराइ के साथ चप्पल पहन के पढ़ने की इजाजत है नमाज जनाजा जो तो एक इबादत है वहां पर बेअदबी का कोई शुबा नहीं है और कब्रस्तान के अंदर चप्पल पहन के चले जाएंगे तो बेअदबी है ठाजुब है सोचने की बात है ये दलील तुम्हारी काम नहीं चल सकती और मेरा मामूल है मैं जब कब्रस्तान के अंदर जाता हूं तो जान बूझ चप्पल पहन के जाता हूं ताकि जिन लोगों को इस मसले का इलम नहीं है वो जान सकें होता है कभी कभी लोग टोक देते हैं कहते हैं मुफ्ती साहब चप्पल पहन के आप आ गए हैं फिर उन्हें बताया जाता है भाई मसला ये है मसला तुम जानते नहीं तो क्यों बता रहे किसी को हाँ ये है पूछ सकते हो चप्पल पहन के जाना कैसा है नहीं है हम बता देंगे आपको लेकिन कोई आदमी अमल कर रहा है तुम्हारे बचपन से आप देखते हुए आ रहे हैं चप्पल उतार के जा रहे हैं तो वही शरीयत का हुक्म है ऐसा नहीं है ठीक है मैं इसीलिए अपना मैं अपना मामूल बता रहा हूँ मैं यही अपना अमल करता हूँ और ना कभी कभी चप्पल उतार के भी जाता हूँ कोई दिक्कत नहीं है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे समझने की तौफीक दे आमीन या आलमीन